22 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू कर दी। इसको देखते हुए जंतर मंतर पर पुलिस ने भारी सुरक्षा के इंतजाम किए। किसान संसद के पहले ही दिन न्यूज 18 के एंकर रमेश देवगन ने अपने शो आर पार में यह दावा किया कि जंतर मंतर पर रिपोर्टिंग कर रहे उनके कैमरामैन पर हमला हुआ। वीडियो की शुरुआत में रमेश देवगन क्या कहते हैं देखिए। न्यूज 18 का एक कैमरा पर्सन सामान्य रूप से कवरेज के लिए जाता है, लेकिन जब वहां पर मीडिया को गाली दी जाती है तो वो कहता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वहां पर महिलाएं भी हैं, तो पलटवार करते हुए उसे पीटा जाता है, उसके सर पर रॉड मारने का प्रयास होता है, हाथों से वो बचाता है, उसके हाथ घायल हो जाते हैं, उसको आरएमएल हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। चैनल ने यह दर्शाने की कोशिश की कि हमला किसानों ने किया है। वीडियो में एक मौके पर रमेश देवगन कहते हैं कि न्यूज 18 के वीडियो जर्नलिस्ट पर हमला कोई आंदोलन नहीं है। यही वीडियो बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने शेयर किया। उन्होंने लिखा कि किसान प्रदर्शन स्थल पर न्यूज 18 के कैमरा पर्सन को पीटा गया। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि ये प्रदर्शन वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है। अमित मालवीय ने अपनी बात में लाल किला, राजधानी को घेरने, बॉर्डर बंद करने सरीखी बातें कहीं। कुल मिलाकर वो न्यूज 18 के कैमरा पर्सन को लगी चोट के लिए किसानों और किसानों के प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। रमेश देवगन ने भी ट्वीट करके बताया कि न्यूज 18 के कैमरा पर्सन पर हमला हुआ था। उन्होंने हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट एट पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ऋषि बागरी, अतुल आहूजा, @xsecular ने भी ऐसे ही ट्वीट किए। ऑल्ट न्यूज ने जब इस मामले के बारे में जानने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि इंडिया टीवी ने 22 जुलाई को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट ने एक न्यूज चैनल के कैमरा पर्सन पर हमला कर दिया था। हमने सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोस देखने शुरू किए। इस क्रम में हमें फेसबुक पर दो वीडियो मिले जिन्होंने सारी तस्वीर साफ कर दी। पहला वीडियो प्यारा हिंदुस्तान नाम के एक फेसबुक पेज का है। इसमें हम देख पाए कि प्यारा हिंदुस्तान की एक महिला पत्रकार रिपोर्टिंग कर रही थी और उसी बीच वो पास खड़े एक फ्रीलांसिंग पत्रकार पर आरोप लगाना शुरू करती है कि वो भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। इस दौरान कोई उस फ्रीलांस पत्रकार का फोन लेने की कोशिश करता है और बात हाथापाई में बदल जाती है। उस फ्रीलांस पत्रकार ने अपना कैमरा स्टैंड लोगों पर मारना शुरू किया और इसी दौरान न्यूज 18 के कैमरा पर्सन नागेंद्र गोसाई को चोट लग गई। संशोधन के लिए कितनी बार बोल दिया है सरकार ने कितना ज्यादा यहाँ पर संशोधन के लिए बोला गया था, लेकिन फिर भी जो किसान थे वो मानने के लिए राजी नहीं हुए हैं। उनका ये कहना है कि बातचीत करके नहीं मानेंगे। उनका यही कहना था कि किसी भी करके इस जो बिल पास किया है उसको रद्द किया जाए। ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप मुझे जलील? आप ये क्या? ये देखिए जलील, मुझे क्या ये बोल रहे हैं? दलाल मीडिया, जलील औरत ये मुझे बोल रहे हैं यहाँ पर, तमीज नहीं है। ये बदतमीजी यहाँ पर कर रहे हैं हमारे साथ में, ये मुझे जलील औरत बोल रहे हैं और जलील। नागेंद्र के हाथ में चोट लगने की साफ तस्वीर अंबेडकर मिशन न्यूज चैनल के लाइव वीडियो में दिखती है। ये देखो गोदी मीडिया वाले, ये देखो बदतमीजी कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले, ये देखो बदतमीजी कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले, बदतमीजी कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले, बदतमीजी कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले। ये हाल है गोदी मीडिया वालों का, देख लो जी, ये देख ले गोदी मीडिया का हाल, ये देखो बदतमीजी कर रहे हैं ये। इस बाबत हमने नागेंद्र गोसाई से भी बात की, उन्होंने भी हमें ठीक यही बातें बताई। ऑल्ट न्यूज ने डीसीपी दीपक यादव से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि ये दो पत्रकारों के बीच हाथापाई का मामला था, किसानों ने हमला नहीं किया था। पत्रकारों के बीच कहा सुनी के बाद झड़प हो गई थी, दोनों के हाथ में मोबाइल और रिकॉर्ड करने वाले सामान थे जिससे एक को चोट लग गई। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। तो कुल मिलाकर यह साफ हुआ कि न्यूज 18 के कैमरा पर्सन के हाथ में लगी चोट पत्रकारों की आपसी हाथापाई का नतीजा था, लेकिन सोशल मीडिया पर किसानों और किसान प्रदर्शन को इसका जिम्मेदार बताने की कोशिश की गई।